मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब राजोवालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें एक बार जुमा रखिया मेरा। फरमान लगे मेरे को आके तुसा जुमा पढ़ाना है। उन्हें एक आर्डर और फरमाता, बड़ा वह भी बड़ा मुश्किल से मेरे लिए। एक कितने तू अज शेर नहीं पढ़ना जुमे च, जुमे दे अंदर तू शेर नहीं अज पढ़ना। तो दूसरे नंबर पर यह नहीं लोगों को कहना कि सुभान अल्लाह कहो, किड्डा औखा काम। खैर मैं जुमा पढ़ाने लग पाया, अलहमदुल्ला जुमा शुरू होया, सवा को घंटे का जुमा सी, तो मैं दो बारी भुल गया सुभान अल्लाह। तो मैं ना खुआई उंज मैं एक बार आख्या बाबा जी फरमाते ने, तो नाल ही मैं कह दिता को नहीं फरमाते। खैर वो मैं शेर पढ़न लगा ना, तो मैं कहा बाबा जी फरमाते ने नाल ही, मैं कहा को नहीं फरमाते। फिर कोई भी मिनट बाद फिर मैनू ना वो भुल गया मैं, तो फिर मैं आख्या बाबा जी कह गए ने, मैं कहा कोई नहीं कह गए। खैर मैं वो जुमा पढ़ाता, सवा घंटे का जुमा है। मौलाना मुहम्मद यूसुफ साहब राजोवालवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली सन। बाद दे अंदर ना मेरा मत्था चूमिया, फरमान लगे मेरा पुत्र दो परचे सन, परचे बड़े सख्त सन, डिगदा टेंदा मेरा शेर पुत्र कामयाब रब ने कर दिता। मेरे पुत्र रब ने कामयाब कर दिता है। ते नाल फरमान लगे मेरे पुत्र ते दो परचे सन, ते मैं अपने पुत्र नूं अज दूरा इनाम देना है, मेरा पुत्र पास। आ जिहड़ियां वड्डियां दियां दुआवां हुंदियां ने, ये बड़ी बात हुंदी है। तो मौलाना यूसुफ साहब अपना राशद फरमा रहे सन कि मौलाना मंजूर साहब दे लिखे हुए शेर और यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोलों तरबीयत इन्होंने हासिल की, गल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। आ मैं जड़ा सारी सारी रात मेरा अल्लाह मैनू बिठाई रखदा ना, उहनू टाइम दिओ, उहनू टाइम दिओ, उहनू टाइम दिओ, उहनू टाइम दिओ, वह बयान करे, वह बयान करे, वह बयान करे। ये दो हस्तियां दे कोलों मैं ये दो चीज़ां सीखियां ने, एक मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह और एक मौलाना हबीबुर रहमान यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। सारे दुआ करो अल्लाह उन्होंने दोनों जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए।